आदमी जी नियम नहीं पालन करेगा तो उसके लिए तो कार्रवाई हुई। आप ही तो बार बार कह रहे थे कि मैडम हम लोग का फाइन कट रहा है, फाइन कट रहा है। देखिए कोई भी चीज निर्माण होगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। नमस्कार, मैं कृपा सिंह, आप इनसाइडर लाइव देख रहे हैं। आपको बताते चले कि जब से लगातार जो पटना में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, निगरानी किया जा रहा है ट्रैफिक के द्वारा, तब से लगातार जो लोगों को देखा जा रहा है कि हेलमेट लगा के चल रहे हैं, वहीं कई जगह चालान भी काटे जा रहे हैं। लेकिन कई जगह अक्सर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से जो पुलिस वाले हैं या प्रशासन के लोग हैं सीट बेल्ट का यूज नहीं करते हैं, ट्रैफिक नियम का, वो लोग खुद जो पालन करवाने वाले हैं वही लोग पालन नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए है परिवहन मंत्री शीला मंडल जी। मैडम, अक्सर पुलिस वाले जो ट्रैफिक नियम का पालन कराते हैं वही लोग पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए ऐसा बात नहीं है, ये तो वही बात हुआ कि ये अब एगो मछली सरल है तो सब सरले हो गया, ऐसा बात नहीं है। सब वही लोग नियम बनाते हैं, नियम बना के पालन करते हैं, जो नहीं करते उसके लिए तो देखवे करते हैं, उसके अंदर कार्रवाई भी होती है, ऐसा थोड़े। उसके लिए आप लोग क्या कर, कोई भी आदमी जी नियम नहीं पालन करेगा तो उसके लिए तो कार्रवाई हुई। आप ही लोग ना बार बार कह रहे थे कि मैडम हम लोग का फाइन कट रहा है, फाइन कट रहा है, तो जो उसी के लिए ना था, जो लोग नहीं नियम को पालन कर रहे थे उसी के लिए ये सब था। और जगह पे भी कैमरे लगाने की तैयारी हुई? हाँ देखिए, वो कैमरा जो है सभी जगह लगेगा ताकि आने वाले दिनों में जो परेशानी है उसको कम करने के लिए, उससे नियंत्रण भी होता है। क्योंकि अधिकतर जगह देखा जाता है लोग चौराहे को रॉन्ग साइड से क्रॉस करने लगते हैं, तो कैमरे से देखिए रॉन्ग साइड से जो क्रॉस करते हैं उसी पे फाइन भी लगता है, और वही लोग आके कहते हैं कि फाइन लगता है, तो फाइन लगता है क्यों लगा भाई, कुछ ना कुछ गलती की है तभी तो लगा। नया क्या कुछ होने वाला है परिवहन विभाग? देखिए परिवहन विभाग में नया अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी आ रहा है, जो 15 साल पुरानी गाड़ी है उसको स्क्रैपिंग पॉलिसी के तहत अभी हम लोग उस पहले 2 बार उसका डेट बढ़ाए थे, फिर 3रा बार भी बढ़ाए, ताकि आने वाले दिनों में लोग इससे बहुत अधिक से अधिक मात्रा में लोग जुड़ सके और इससे रोजगार भी सृजन होगा। स्वाभाविक वाहन प्रशिक्षण केंद्र खुला था तो कई जिलों में खुला, 3800 जिले में खुला तो सभी लोग को रोजगार मिला। अब स्क्रैपिंग पॉलिसी आया है तो उसके तहत पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप किया जाएगा, उसके लिए छूट भी दिया जाएगा, और जो इससे अधिक से अधिक लोग जुड़े इसके लिए हम लोग समय भी बढ़ाए हैं ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। लगातार जो देखा जा रहा है कि स्मार्ट सिटी के एक तरीके से प्रोजेक्ट के तहत कई जगह जो है मेट्रो के द्वारा जो प्रोजेक्ट लाया गया काम किया जा रहा है, कई जगह ऑटो स्टैंड को लेकर के पटना जंक्शन में भी ऑटो वाले हड़ताल कर रहे थे, आखिर में जगह जगह पर जो व्यवस्था उनको वैकल्पिक व्यवस्था कब तक दी जाए? देखिए मेट्रो बन रहा है, इसमें तो सवाल करने का कोई बात नहीं है। नहीं नहीं बन आ, सब देखिए कोई भी चीज़ निर्माण होगा तो थोड़ा तो दिक्कत होगा। घर में एक छोटा सा पर्व मनाते हैं कितना अस्त व्यस्त हो जाता है, और मेट्रो बन रहा है तो स्वाभाविक है ना। वैकल्पिक व्यवस्था देखिए व्यवस्थित व्यवस्था जो आप कहते हैं वैकल्पिक व्यवस्था, वो अब हम कहते हैं कि मेट्रो बन रहा है तो सब लोग के लिए साइड से तो रोड रहता ही, उसी में लोग को स्टैंड की बात हो रही है, स्टैंड के लिए तो बात हो ही रही है, चले कर भी गैया में करने के जा रहे हैं लोग। तो आपने सुना किस तरीके से परिवहन मंत्री शीला मंडल ने साफ कर दिया कि जिस तरीके से लगातार जो ऑटो चालक थे धरना दे रहे थे उनकी भी समस्याएं सुनी गई है, और दूसरे जगह वैकल्पिक व्यवस्था भी देखा जा रहा है, वो जल्द से जल्द ऑटो स्टैंड को एक तरीके से कहे कि ऑटो चालकों के लिए राहत भरी खबर है कि उनको जल्द से जल्द उनको स्टैंड दिया जा रहा है। करबिगहिया में जो पटना जंक्शन पे हड़ताल करते वहीं उन्होंने मेट्रो को लेकर के तमाम बातें रखा, वहीं जिस तरीके से ट्रैफिक नियम में जो लोग पालन नहीं करते अलग अलग जगह पर भी, और जो 15 साल से जो नियम था गाड़ियों का उसको लेकर भी तमाम बातों को रखा है। तो ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए इनसाइडर लाइव देखते रहें।